में जंगली हाथियों के उत्पात से दो हफ्तों में तीन ग्रामीणों की मौत के साथ निजी संपत्ति और फसलों को भी नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण सदमे में है। कटघोरा वन मंडलाधिकारी शमा फारूकी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षा के लिए सभी तरह के उपाय सुझाए जा रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि फिलहाल हाथियों का ये दल दो हिस्सों में बट चुका है। करीब 43 हाथियों का एक झुंड पड़ोस के जड्डा रेंज में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरा दल पसान केंद्रीय परिक्षेत्र में है। इन रेंज के गाँव में मुनियादी कराई जा रही है, सुरक्षा उपकरणों का भी वितरण किया गया है। वन विभाग की स्पेशल टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। किसी भी तरह के आपात स्थिति से निपटने के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। हाथियों को रहवासी इलाके से खदेड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से होल्डर पार्टी को भी बुलाया गया है। ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि किसी प्रकार से आप जिस क्षेत्र में हाथी का मूवमेंट है उस क्षेत्र में ना जाएं, और जो हुल्ला पार्टी और हमारे वन विभाग के स्टाफ के द्वारा जो समझाइश दी जा रही है, जिस तरीके के प्रिकॉशन लेने के लिए उनको कहा जा रहा है, उन सारे प्रिकॉशन को वो लोग फॉलो करें। अगर किसी को शिफ्ट करने कहा जा रहा है हाथियों की वजह से पक्के मकान में, तो वो हमारी बात को समझे।